वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं मॉर्निंग से बना रही हूँ व्लॉग नाइट तक का। तो ये सुबह मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जो कि वेज चीला है। लाइक इसमें गाजर, कैप्सिकम भी है और प्याज भी है। ये सब डाल के मैं अपने लिए एक चिल्ला प्रिपेयर कर रही हूँ और ये चिल्ला मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो ये अभी पका नहीं है, नहीं हो गया, ये थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड्स लिए हैं नन्नू के लिए, उसके फादर के लिए। तो ये अब हो गया मेरा चिल्ला प्रिपेयर। तो मैंने इसको टर्न कर दिया दूसरे साइड से भी होने के लिए। तो बस हो गया ये कंप्लीट। कितना यम्मी लग रहा है, जितना यम्मी लग रहा है उतना यम्मी खाने में भी लगता है। तो मैं ब्रेड सेक लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वैसे ज़्यादातर हम लोग मॉर्निंग में ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं, बट ये जो है ये ब्रेड भी आप लोग खा सकते हैं। इसे मिल्क ब्रेड कहते हैं और ये बाकी ब्रेड से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये नन्नू का ब्रेड बन रहा है, इसके चारों किनारे मुझे काटने पड़ते हैं क्योंकि वो नहीं खाती है। और मैं ये मिक्स हर्ब डाल रही हूँ चीज़, तो ये बहुत यम्मी लगता है, लाइक पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो ये नन्नू का है। तो अब ये मुझे इसको पीसेस में काटने पड़ते हैं ताकि वो अपने आप खा सके। क्यूब्स काट देती हूँ मैं, तो फिर वो अपने आप उठा के खा लेती है, मुझे नहीं खिलाना पड़ता है। तो कुछ टाइम बच जाता है, कुछ और कर सकते हैं उतने टाइम पे। अगर बेबी खुद खाना सीख जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात नहीं होती। तो और मैं यहाँ पे दो चपाती बना रही हूँ, पचाती बोल रही हूँ, दो चपाती बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो टू ब्रेड्स वो यूं ही खा रहे हैं लाइक टेस्ट के लिए, क्योंकि वो टेस्टी ब्रेड है, मिल्क ब्रेड, और दो रोटी लेंगे वो। तो मैं फटाफट बना देती हूँ। तो अब हम सब बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज ये जो अलमारी है ये नन्नू के कपड़ों की अलमारी है। तो आज मैंने सोचा इसको थोड़ा साफ़ कर लूं और इसमें जो भी गर्म कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, उसके वुलन्स वगैरह, ये सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि अब थोड़ी कम ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो इसीलिए मैं उसका अलमारी साफ़ करने बैठी हूँ। काफ़ी ज़्यादा यू नो हौच पौच हो गए यहाँ पे, मिलता नहीं है कुछ। और ऊपर वाले ड्रॉयर में भी हम सामान रखते हैं ऐसे, लाइक माई वॉच हो गई और सबके ग्लासेस हो गए, फिर सुई धागा, बुक्स, ये सब चीज़ें मैं ऊपर के ड्रॉयर में रखती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, लाइक अलमारी खोलते साथ ही गिरता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको फटाफट से मैं क्लियर कर लेती हूँ। तुमने खेल लिया उसमें लगा रखा होगा। और ये नीचे का ड्रॉयर है तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें रखी, लाइक बैंडेजेस रखे जो गर्म होते हैं पैर दर्द, हाथ दर्द में लगाने के लिए,
और कैमरा मेरा, ये सब चीज़ें। बाकी ये गुल्लक है नन्नू का, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, अब उसने तोड़ दिया है। पैसे तो उसने बहुत अच्छे इकट्ठे कर लिए, तो उसके लिए नया आएगा मनी बैंक, तो इसीलिए मैं इसको खाली करके एक बाउल में रख देती हूँ। तो जैसे आएगा तो फिर हम दोबारा से उसको फिल करेंगे। मम्मा वहां से अपने तो घर की पूरी सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा ऑल इन वन मैंने सब कुछ कर दिया है। तो मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे खाना भी कंप्लीट हो गया है, मतलब अभी बन रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी हो गई है, लाइक पूजा भी कंप्लीट हो गई है। और ये काम मेरा है, नन्नू केजी में आई है तो उसकी सारी बुक्स मुझको कवर करनी है। ये नन्नू की सारी नई बुक्स है, नन्नू की भी नई नई हो गई है। से हेलो। हेलो। हाँ, तो ये नन्नू की नई बुक्स है केजी की, तो नन्नू ऐसे ही बैठ के इंजॉय कर रहे अपनी बुक्स। तो आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। तो अभी मैं इसमें अरहर की दाल के साथ थोड़े से कद्दू बॉईल करके डाल रही हूँ, तो ये थोड़ा टेस्ट इसका अलग आता है, सांभर का बहुत टेस्टी लगता है। तो बाकी मैं सारे वेजीज मैंने काट लिए सांभर के लिए, जैसे कि कद्दू, ये बीन्स है, गाजर, लौकी, तो ये सारे मैंने क्यूब्स में काट के इनको धो लिया है। तो जब मेरी दाल प्रिपेयर हो जाएगी तो फिर, और ये मैंने प्याज और चिलीज काट के रखी हुई है क्योंकि मैं इसमें तड़का थोड़ा अलग स्टाइल में लगाऊंगी। तो और यहाँ पे मैंने इमली भिगा के रखी है, ये भी तड़के के टाइम पे यूज़ होगी जब हम सांभर को तड़का मारेंगे। और मैं इडली बना रही हूँ एमपीआर की, सारा नहीं लिया। ये पाउडर आता है तो ये मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है। तो चलिए मैं चेक करती हूँ कि अच्छे से हुआ कि नहीं दाल। तो दाल को मैं अच्छे से हिला देती हूँ ताकि वो पूरा लिक्विड जैसा हो जाए। और सारी वेजीज डालने के बाद, अगर आपको पानी लगता है इसमें ज़रूरत है तो आप इसमें पानी ऐड करके फिर आप दोबारा इसको दो या एक सीटी मार दीजिए। और यहाँ पे मैंने इडली बैटर तैयार कर लिया है, इसमें दही ऐड किया है मैंने और पानी ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है। और यहाँ प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा बॉयल हो जाए। तो चलिए फटाफट से हम तड़का भी मार लेते हैं सांभर में। तो ऑयल डाल लीजिए, ऑयल गर्म होने के बाद जो मैंने आपको दिखाया अभी, कड़ी पत्ता और ये सब चीज़ें, लाल मिर्च और सरसों आप डाल दीजिए। उसके बाद वो मसाला जो हमने बनाया था प्याज का, वो डाल दीजिए। और इडली चेक करने का सबसे इजी तरीका है, फॉर्क डालिए, अगर वो पूरी साफ़ आ जाती है तो इडली साफ का हो गया है तैयार। और ये बाद में मैंने इसमें मैंने इमली और जो सांभर मसाला होता है एवरेस्ट का, वो डाला मैंने। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी इडली। उसके बाद जब पूरा हो गया, पक गया मसाला, तो फिर मैंने पूरा सांभर इसमें डाल दिया है। और सांभर में ज़रूर आप, बहुत ज़रूर है कि सांभर मसाला यूज़ करें, उसका टेस्ट अलग आता है।
हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने प्लेट को पहले ग्रीस कर लीजिए ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को ऑयल से, और फिर इसमें आपको थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको इसमें बैटर को भरना है ताकि जब इडली फूले तो वो थोड़ा सा ऊपर आएगी, तो उतना स्पेस आपको छोड़ना है। उसके अलावा तो सब कुछ ईजी है। तो ये बैटर तैयार मिलता है MTR का और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, बिल्कुल लाइक रेस्टोरेंट में आपने खाया होगा उसकी ही जैसा, बिल्कुल फ्लफी बनती है इसकी इडलियाँ। तो देखिए मैं किस तरीके से भरती हूँ। इतना याद रखे प्रेशर कुकर की सीटी आपको नहीं लगानी है, थोड़ा मीडियम आंच पे आपको इसे 15 मिनट तक आप पका सकते हैं, आपका बिल्कुल अच्छे से उतर जाएगा, इडली मेकर से भी वो इडली अच्छे से छूट जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने कैस्ट्रॉल में रख दी है सारी इडली बना बना के, और यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। तो ये देखिए इडली कितनी सॉफ्ट कितनी फ्लफी बनी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो तो आप बना के देखिएगा। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक दे दीजिए, फिर दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।